तो अगर आप एक ट्रेडर हो और आप नया लैपटॉप परचेस करने के बारे में प्लान कर रहे हो और सोच रहे हो कि कौन सा लैपटॉप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट रहेगा, कंफ्यूजन है माइंड में, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं वो सारे फीचर्स बताऊंगा जो कि एक ट्रेडर को एक लैपटॉप में चाहिए होगा, वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो कोई आपको लैपटॉप में देख लेने हैं कि ये फीचर्स होना चाहिए तो ही आपको लैपटॉप लेना। और साथ ही मैं चार लैपटॉप भी बताऊंगा अलग अलग प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग 30,000 to 55,000, ताकि आप फैसला ले सको कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कंफ्यूजन है माइंड में कि विंडोज लें कि मैक लें। अगर आप सोच रहे हो कि एप्पल का लैपटॉप लेने से ट्रेडिंग और अच्छा कर पाऊंगा तो ये कुछ नहीं है, वो भी एक लैपटॉप है, विंडोज वाला भी लैपटॉप है, दोनों एक तरह से कंप्यूटर है, प्रोसेसर है, रैम है, सारा चीज सेम ही होता है, बस उसका थोड़ा हार्डवेयर बढ़िया है, लुक बढ़िया और ब्रांड वैल्यू है। लेकिन जैसे कि मैं शुरू से ही विंडोज चलाने की आदत हो गई है तो मुझे विंडोज में ही कंफर्ट है और विंडोज ज्यादा फीचर्स भी प्रोवाइड कराता है प्राइस के अकॉर्डिंग। तो विंडोज आपको ज्यादा वैल्यू देगा उस प्राइस में जितना आपको एप्पल नहीं देगा, प्लस एप्पल में बहुत सारे लिमिटेशन भी है। तो मेरा सजेशन आपको यह है कि अगर आप कोई डाई हार्ड फैन नहीं हो एप्पल के तो विंडोज लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है। अब विंडोज लैपटॉप में वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि आपको नीड पड़ेंगे एज अ ट्रेडर, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जो सबसे पहला रीजन होता है जिसके कारण लोग लैपटॉप लेते हैं वो है कि मोबाइल का स्क्रीन छोटा, उसमें एनालिसिस करने में मुश्किल होती है, चार्ट खोलने में मुश्किल होती है, दो चार्ट में एक साथ नहीं देख सकता हूं, अगर मैं बैंक निफ्टी देखूं, निफ्टी देखूं, रिलायंस देखूं तो प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए लोग लैपटॉप लेते हैं। तो आपका एक बहुत बड़ा रीजन है स्क्रीन। तो स्क्रीन जो है वो दो साइज का मार्केट में अवेलेबल है लैपटॉप में, जो कि ज्यादा ट्रेंड में 14 इंच वाला, लेकिन आपको लेना है 15.6 इंच वाला जो कि स्टैंडर्ड साइज है, क्योंकि देखो 14 इंच वाला लैपटॉप इसीलिए ट्रेंड में है क्योंकि वो इजी टू हैंडल है, इजी टू कैरी है, तो लोग 14 इंच वाला प्रेफर करते हैं। बट आप अगर ट्रेडिंग के लिए ले रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो होने वाला है वो 15.6 इंच वाला लैपटॉप है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो चार्ट देखने में, मल्टीपल स्क्रीन ओपन, मल्टीपल विंडो ओपन करने में, इसीलिए हम लोगों को स्क्रीन लेना है 15.6। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो स्टोरेज का। अगर आपका लैपटॉप हार्ड डिस्क बेस्ड है तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहां पे आप क्रोम खोलोगे वहां 10 सेकंड लगेगा, ऑन करोगे लैपटॉप फिर 15 सेकंड लगेगा, एक नया टैब खोलोगे तो 2-3 सेकंड लगेगा। तो आपको लेना है SSD वाला लैपटॉप, ताकि कुछ भी आप ओपन करो तो उसका रिस्पांस बहुत ही फास्ट हो। तो ये है चिप वाला स्टोरेज और वो है एक डिस्क वाला, जो पुराने जमाने में आता था CD टाइप का, वो वाला टेक्नोलॉजी। तो अभी आपको हार्ड डिस्क वाला कोई टेक्नोलॉजी वाला लैपटॉप नहीं लेना है, आपको जो भी लेना है और या जो मैं वीडियो में बताने वाला हूं सारे SSD वाले लैपटॉप बताने वाला हूं। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रोसेसर। देखो मेरा मानना है कि अगर आप एक लैपटॉप ले रहे हो, चाहे ट्रेडिंग पर्पस से लो या कुछ भी लो, स्टार्ट आपको i3 से करना होगा। आप सोचोगे कि लैपटॉप देखोगे आपको लगेगा कि यार ये भी उतना बड़ा ही दिख रहा है, ये भी उतना ही बड़ा दिख रहा है, इसका भी सेम लुक है, लेकिन देखो प्रोसेसर मिल जाता है आपको Celeron, जो कि आपको बहुत रुलाएगा। तो इसीलिए अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो स्टार्ट करो i3 से। देखो बजट मैं आपको बता रहा हूं 30,000 से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपका बजट इससे कम है तो पहले थोड़ा पैसा जोड़ लो, लेकिन लो तो फिर i3 से ही लो, उससे नीचे नहीं लेना है आपको। चौथा जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि थोड़ा एडवांस है, लोग नहीं जान पाते हैं, लेने के बाद गलती कर देते हैं, फिर उन्हें समझ में आता है, जैसे कि आपके लैपटॉप में जो पोर्ट होता है, USB पोर्ट होता है, टाइप सी पोर्ट होता है, HDMI पोर्ट होता है। तो अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको पता है कि आप मल्टीपल स्क्रीन यूज करोगे, जैसे कि मैं दो स्क्रीन यूज कर रहा हूं, तो इसमें क्या बेनिफिट होता है कि एक टैब से दूसरे टैब, मतलब ये एक ही चीज दो जगह नहीं खुलता, वो अलग अलग चीज खुलता है लेकिन इंटरकनेक्टेड होता है। आप यहां से चार्ट को ले जाके इस स्क्रीन में मॉनिटर में रख सकते हो, तो उसके लिए आपको HDMI पोर्ट का यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में एक और मॉनिटर आप ऐड करना चाहते हो, यानी कि एक लैपटॉप के साथ दो मॉनिटर ऐड करना चाहते हो, तो वहां पे आपको हो जाएगा प्रॉब्लम, तो वहां कन्वर्टर खरीदना होगा। बहुत सारे लैपटॉप में कन्वर्टर काम नहीं करते हैं अच्छा ढंग से, वो जो है सिंक नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको वो लैपटॉप लेना है जिस लैपटॉप में एक थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट हो, ताकि आप बड़े बड़े स्क्रीन को भी फ्लॉलेसली कनेक्ट करके यूज कर सको, एक साथ दो स्क्रीन यूज कर सको। देखो ट्रेडर आप हो, ट्रेडिंग आप करते हो, तो आपको ये चीज का जरूरत आगे जाके पड़ेगा ही पड़ेगा, आप मल्टीपल स्क्रीन लगाओगे ही। तो उसके लिए अभी से ही जो लैपटॉप खरीदे हम लोग वो ऐसा लें ताकि हम लोग उसमें मल्टीपल स्क्रीन ऐड कर सकें। तो वो फीचर जो है थंडरबोल्ट 4 आपको प्रोवाइड कराता है, एक HDMI, एक थंडरबोल्ट, दोनों पोर्ट रहा, दो मॉनिटर आप ऐड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं लैपटॉप का वो चारों लिस्ट। पहला लैपटॉप जो है वो देखो Redmi Book 15 है, जिसका प्राइस अभी देखोगे आप अगर ऑनलाइन तो 32,000 दिखेगा, पर ये जो डिस्काउंट अभी स्क्रीन में लगा दूंगा कि कौन कौन से डिस्काउंट्स हैं, कूपन कोड्स हैं, अगर आप उसका यूज करते हो तो आपको ये 29-30 के आसपास आ जाएगा। आप बोलोगे कि यार रेडमी का लैपटॉप है, नया कंपनी है, HP का लैपटॉप, डेल का लैपटॉप, ये क्यों नहीं लूँ मैं। देखो लैपटॉप के जो ब्रांड है ना उनका उतना ज़्यादा यूज नहीं है आज के ज़माने में, मैंने जो अपने से पर्सनली फील किया है। मैं HP भी चला लिया, डेल भी चला लिया, लेनवो भी चला लिया, मैक भी चलाया हूँ, सब चलाया हूँ, SS भी चलाया हूँ, MSI भी चलाया हूँ। तो प्रोसेसर तो इंटेल का है, ग्राफिक्स एनवीडिया का है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का है, तो उसका क्या है, उसका सिर्फ हार्डवेयर है। मेरा HP का लैपटॉप खराब हुआ, लेनवो का लैपटॉप अच्छा चला, जबकि मैं प्राइस देख के लिया था कि लेनवो का लैपटॉप मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा था उस टाइम, और वो लैपटॉप मेरा साथ अभी तक दे रहा है, लेकिन मेरा HP का लैपटॉप खराब हो गया, क्यों, वो तो अच्छा ब्रांड था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर ब्रांड सही है, एकदम नया ब्रांड जाके नहीं लेना है, लेकिन Redmi भी एक अच्छा ट्रस्टेड ब्रांड है, सारे सर्विस सेंटर है, और ये जितना आपको इस सस्ते रेंज में जितना आपको फीचर प्रोवाइड करा रहा है दूसरा लैपटॉप नहीं करा रहा है। तो पहला हम लोगों का लैपटॉप होने वाला है Redmi Book 15।
i3 है, 11 जनरेशन है, 256 GB SSD है और 15.6 इंच का स्क्रीन है और काफी प्रीमियम डिजाइन है, लुक भी अच्छा है, बैटरी बैकअप भी बहुत आपको मिलेगा इसमें। ये लैपटॉप आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि इसका प्राइस के अकॉर्डिंग ये जो फीचर दे रहा है वो जबरदस्त है। दूसरा जो लैपटॉप होने वाला है हम लोगों का वो है Redmi Book Pro 15। ये थोड़ा सा और ऊंचा बजट में है लेकिन ये जितना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है उतना कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। मैंने देख लिया, फ्लिपकार्ट अमेजोन सब चेक कर लिया हूँ, ऑफलाइन भी आप चेक कर सकते हो, ये रेंज में आपको इससे अच्छा लैपटॉप नहीं मिलेगा क्योंकि ये इस लैपटॉप का अभी देख रहे हो प्राइस, आप स्क्रीन पे लगा दूं तो 39,999 है, यानी कि 40,000 रुपीज है, लेकिन अभी इस पे 4,000 का जैसे कि आप देख सकते हो डिस्काउंट चल रहा है, प्लस अगर MI स्टोर से आप यहाँ पे एक कूपन लगता है 500 to 1,000 कूपन लग सकता है, तो यानी कि ये आपको 35,000 से 36,000 में ये लैपटॉप मिल जाएगा जिसका फीचर जो है वो जबरदस्त फीचर है। i5 है इसका प्रोसेसर, वो भी 11 जनरेशन, SSD मिलेगा आपको 512 GB का, 15.6 इंच का स्क्रीन है, बैकलाइट कीबोर्ड है कि नहीं है वो आप चेक कर लेना, मैं भूल गया हूँ, डिजाइन बहुत जबरदस्त है, बैटरी बैकअप भी आपको बहुत तगड़ा मिलने वाला है इस लैपटॉप में और सर्विस सेंटर तो है, कोई इशू है नहीं, वारंटी गारंटी सब कुछ मिलेगा लैपटॉप में और एक अच्छा लैपटॉप जो है ये रेंज में आपको मिलने वाला है। जितने भी आप इस फीचर के लैपटॉप अगर HP, Lenovo या Asus किसी भी ब्रांड में चेक करोगे तो वो आपको 42 to 45 के आसपास आएंगे जो कि i5 11 जनरेशन 512 GB SSD पर बेस्ड है। तो ये लैपटॉप आपको ये फीचर इस प्राइस रेंज में प्रोवाइड करा रहा है जो कि लाजवाब है। तीसरा जो लैपटॉप होने वाला है वो थोड़ा हटके होने वाला है, ये लैपटॉप है Lenovo का Flex 5। ये लैपटॉप हटके इसीलिए क्योंकि ये लैपटॉप एक स्क्रीन टच लैपटॉप है और इस लैपटॉप में आपको एक पेन भी मिलेगा साथ में जिसका यूज करके आप चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, लेबल्स ड्रॉ कर सकते हो, तो अगर आप चाहते हो नोट्स लेना या फिर साथ में आपको ट्रेडिंग जर्नल लिखना है, ये सब चीज करना है या फिर आपको टेलीग्राम चैनल चलाना है, यूट्यूबर बनना है बाद में, तो आपको काम आएगा ये चीज ये लैपटॉप आपके लिए। साथ ही आप जब इसे लैपटॉप चाहो लैपटॉप की तरह यूज करो, जब चाहो इसे आप टैब की तरह भी यूज कर सकते हो, मैं वीडियो लगा दूंगा स्क्रीन में। तो ये लैपटॉप होने वाला 53,000 अभी रेट है, प्राइस वेरी करता है, ये थोड़ा सौखिया टाइप का लैपटॉप है। चौथा जो लैपटॉप है जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट लैपटॉप मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं, जो कि आपको अगर बजट है तो वही लैपटॉप लेना चाहिए, वो है Acer Aspire 7। ये लैपटॉप में आपको मिलेगा i5 का 12 जनरेशन का प्रोसेसर जो कि सबसे लेटेस्ट है, साथ ही मिलेगा आपको 1650 Ti का ग्राफिक्स NVIDIA का जो कि DDR5 पे बेस्ड है। ये लैपटॉप बहुत ही तगड़ा लैपटॉप है और इसी लैपटॉप में आपको मिलेगा Thunderbolt 4 का सपोर्ट जिसकी मदद से आप मल्टीपल स्क्रीन ऐड कर सकते हो, यानी कि आप एक तो HDMI पोर्ट की मदद से स्क्रीन ऐड होगा, दूसरा Thunderbolt पोर्ट की मदद से आपका स्क्रीन ऐड होगा और आप फीचर्स में देख सकते हो कि ये 8K रेजोल्यूशन तक का जो है आपको स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन देता है। ये लैपटॉप काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि i5 का 12 जनरेशन है, साथ ही इतना बढ़िया ग्राफिक्स भी है, रैम भी 8GB है और ये लैपटॉप अगर आप लेते हो तो आपको आने वाले टाइम में आप अगर हैवी काम भी इसमें करोगे, वीडियो एडिटिंग भी हैवी कर लोगे मान लो अपने किसी चैनल के लिए या कुछ भी इस टाइप का ग्राफिक्स वाला काम करोगे या फिर मल्टीपल बड़े बड़े स्क्रीन ऐड करोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देगा। तो ये लैपटॉप होने वाला बेस्ट, तो अगर आपके पास बजट है तो मैं बोलूंगा आपको इसी लैपटॉप के साथ जाना चाहिए। देखो प्राइजेस वेरी कर सकते हैं, जब ऑफर आए तब लो 4,000 से 5,000 रुपए बचेगा, ऑनलाइन लोगे तो 4,000 से 5,000 रुपए ऑफर में बच जाएंगे, लेकिन अगर ऑफलाइन लोगे तो ऐसे भी नॉर्मल प्राइस से जो प्राइस चल रहा है इससे भी 4,000 से 5,000 रुपए आपका एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। अगर आपके पास मान लो कोई पुराना लैपटॉप है और आपका स्पीड उसमें पूरा स्लो हो गया, आपको लग रहा है ये लैपटॉप ढंग से नहीं चल रहा है, तो आप 2,500 खर्च करके उस लैपटॉप की स्पीड को 5 to 10 times बढ़ा सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि आप अपने लोकल शॉप या फिर YouTube में वीडियो देख के खुद से भी एक SSD उसमें इंस्टॉल करा सकते हो बाय करके और आपका लैपटॉप का जो स्पीड है वो 5 to 10 times बढ़ जाएगा और आपको तुरंत लैपटॉप लेने का फिर जरूरत नहीं पड़ेगा। लैपटॉप क्यों लेना है, ट्रेडिंग में लैपटॉप का क्या नीड है, जरूरी है भी कि नहीं है आपके लिए, अगर ये आपको जानना है, इसमें कंफ्यूजन है, तो मैं आई बटन पे अपना एक वीडियो दे दूंगा जिसमें मैंने क्रिस्टल क्लियर इस चीज का जवाब दिया और आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस चीज के रिगार्डिंग। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वो लिंक दे दूंगा लैपटॉप के, ताकि आपको पता लगे कि मैंने कौन कौन से लैपटॉप आपको सजेस्ट किए हैं। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लिपकार्ट में ऑफर है, तो जहां सबसे बेस्ट प्राइस दे आपको वहीं से बाय करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।